वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज डूइंग गुड। आर के क्यू आई 2.0 में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है बेबी क्यू आयन भुवन बाम। टीटू मामा आ गए, उसे ट्रेन से लाने जाना है। तो देखते हैं ट्रेन से। तेरी ये देर तक सोने की आदत सुधार ले। 12 बजे कौन उठता है? छुट्टी के दिन कौन उठता है सुबह सुबह? बहस मत कर, जल्दी तैयार हो, टीटू की ट्रेन कब की आ गई होगी। जूते तो पहनने दो, हमेशा लेट, हर जगह लेट। जूते तो साफ कर ले, कौन देखने वाला है? बेटा जूता इतना चमकाओ कि उसमें चेहरा दिखे। तो फिर घर में शीशे क्यों लगवाए हैं? जूते लटका दो। जल्दी निकल, इंतजार कर रहा होगा बेचारा। और दीदी कनाडा जाता हुआ पंजाबी और टीटू किसी के लिए नहीं रुकते, ले पकड़ बे। और दीदी कैसी हो? बजाना सीख रहा है अभी तो। अरे हाल पूछ रहा हूँ तुम्हारा। मैं ठीक हूँ। और जेजा जे? बस बस। पानी पिलाओ, लेने आने ही वाला था वो तुझे। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद करता हूँ। क्या करता हूँ? काम खुद करता हूँ। हाँ दीदी चाय। ओके मामा नमस्ते। ए मामा के पैर नहीं छूते। क्या नहीं छूते? पैर। शाबाश शाबाश। नमस्ते। ए बेशरम पैर नहीं छुएगा? आप ही ने तो बोला कि पैर नहीं छूते। बांजा कौन? ये तब ब्लेसिंग है। ओह नो। कितने सालों बाद आए हो मामा? जब मैं छोटा था तब मिले थे। अरे याद है जब तू समर हॉलीडे के लिए मेरे पास रहने आता था, तब तू तेरी मामी और मैं हाइड एंड सीख खेलते थे। हाँ याद है याद है याद है। मैं घंटों तक छुपा रहता था और आप दोनों मुझे ढूंढ ही नहीं पाते थे। और याद है एक दिन हमारे घर के गार्डन में छोटी सी पार्टी रखी थी तेरे 5th बर्थडे के लिए? हाँ 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 हाँ। फिर तेरी मामी और मैं अचानक घर के अंदर चले गए थे क्योंकि आग लग गई थी। हाँ कुछ तो हुआ था, आप दोनों 1-1.5 घंटे तक बाहर ही नहीं आए थे। बेटा फायर वाली आग तो पानी से बुझ जाती है, लेकिन सीने की आग का क्या करें? क्या लग रही थी तेरी मामी उस दिन? तेरा को इतना बड़ा मरवाले कॉमिक कलेक्शन लाके दिया था याद है? मार्वल। और याद है मुझे एसगार्ड जाने का कितना मन होता था। तेरी मामी भी मुझे वही बुलाती थी। क्या? एसगार्ड। कविता क्यों नहीं लाए साथ? हाँ ले आते, मुझे भी शौक है। मामी का नाम है कविता। सॉरी। कहाँ जीजा जी, आपको तो पता है वो घर से बाहर निकलती नहीं, पूरा पूरा दिन बीबीसी देखती रहती है। तो यहाँ ले आते, हमारे अभी तो आता है टीवी पे। क्या इसके तो कंप्यूटर में भी बीबीसी है। तू ये तो बता तेरी नौकरी कैसी चल रही है? दीदी बैंक का तो तुम्हें पता ही है। नहीं। ये बहुत टेंशन वाला काम है साला, नोटबंदी के बाद अब जाके आराम है, वरना उस टाइम पे तो बैंक में इतना सारा पैसा था कि नोट गिनते गिनते मुंह में थूक कम पड़ जाती थी। क्या कम पड़ जाती थी? थूक। यार मैंने ना अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था तो वो तोड़वाना है। वर्जिनिटी और फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद ही तोड़वा सकते हो। मतलब चलो अब आ गए हो तो थोड़ा दिन रुको, यहाँ आराम से घूमेंगे। कुतुब मीनार चलेंगे हैं, के कबर भी देख के आएंगे। पर मामा वो तो आगरा में है। अरे मैं अपने वो दोस्त आसिफ की बहन मुमताज उसकी कबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आसिफ बोला मिल के आना। मिल के आना मतलब? हाल चाल पूछ के आएंगे। मामा मुर्दे का क्या हाल पूछोगे? ए बेटा जुबान में हड्डी वड्डी है कि नहीं? वो बेचारी मेहनत करके कैबरे करती, उसको जमीन में गाड़ने पे तुला है। अच्छा कैबरे। ओ दीदी चाय चाइना से आएगी या वीजा लगवाए? ओहो गैस पर रखके भूल गई। ए बचपन से इतनी भुलक्कड़ है, मुझे तो एक बार मार्केट में भूल आई। 2 हफ्ते बाद जब शॉपिंग करने आई तो मैं जूते की दुकान पे मिला। मिला मतलब? वो लड़के नहीं होते छोटे से अंधेरे खोखे से नीचे जूता फेंकते हैं, मैं वो छोटू था। जीजा जी बिस्किट बोलना। तो खत्म हो गए शायद बिस्किट। तो चाय में डुबाएंगे क्या? इज्जत दिखता हूँ दिखता। दांत क्या फाड़ रहा बे चिपकली की गांड? सुन बेटा मैं कोई बैंक में नौकरी विक्री नहीं करता, ऐसे ही झूठ बोल रहा था। तेरी माँ को पता चलता तो फालतू के सवाल पूछती, और जवाब और गांड उतनी दो जितनी हिम्मत हो। मेरा असली काम है वसूली करने का। क्या करने का? वसूली। CID क्राइम डीजल मेहरबान इंडिया कौन देखता है? मैं देखता हूँ। चल बाहर निकल। मुझे इस काम के लिए चाहिए शेरलॉक वाला दिमाग। कौन सा वाला दिमाग? शेरलॉक। बस मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा 20 लाख का घपला करके यहाँ भाग के आया है। अगर तुम दोनों उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो दोनों को 2-2% का मिशन दूंगा। 20 लाख का 2% कितना होता है? जितने का तू बैंकॉक में बिक जाएगा। 40,000। पर मामा हम उसको ढूंढेंगे कैसे? नंबर दे रहा हूँ लिख, अलग अलग आवाज में बात करने का, और एड्रेस निकलवा ले बस। 2 12 1 7 3 3 14। मामी को पता है? 2 1 2 1 7 3 3 1 4। सुन बे जॉनी डेप की आधार कार्ड कॉपी, अगर फिर से उल्टी बात की तो तेरी ये लट काट के तेरी गांड में फिट कर दूंगा। घोड़ा लगेगा बाय गॉड। क्या लगेगा? घोड़ा। मामा शहर इतना बड़ा है, आप उसको पहचान पाओगे?
बेटा टीटू नाम है मेरा, एक बार जो मेरी नजर से उतर गया मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलता। ठीक है फिर हम दोनों आज से ही काम पे लग जाते हैं। कुछ एडवांस मिल जाता तो। एडवाइस ले ले, व्हेन वर्किंग विद टीटू नो एडवांस, इफ वर्किंग अगेंस्ट टीटू नो चांस। ओहो क्या बातें हो रही है मामा भांजे के बीच। कुछ नहीं जीजा जी, वो तो अपने भांजे से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ तो सोचा थोड़ा गिफ्ट विफ्ट तो लाया, नहीं तो कैश दे दूं। बेटा जो मन में आया खरीद लियो, अरे घोड़े को भी चने खिला दियो। 1000 रुपए और वो 2% अलग से मिलेंगे ना मामा। थैंक यू सो मच। यार जाना भांजे है तेरे लिए तो जान भी आ जी रहे, उससे पहले वो 2% का देख लेना। ये 2% क्या है? उतनी जीजा जी, इसको मेरे बैंक का इंटरेस्ट रेट पता करना है। चल बेटा तेरे को दिखा के लाता हूँ, चल चल। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चल चल रास्ते में शमशान बढ़ाएगी, मुर्दों के साथ बीड़ी बीड़ी फूकेंगे। चल। नहीं नहीं मैं बीड़ी पीता ही नहीं ना, मैं पीता ही नहीं बीड़ी। तो कैसी लगी वीडियो यार? आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो तो पसंद आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपके भी मामा अगर आते होंगे तो आई होप मामा को लाने आप भी जाते होंगे। वो भी स्वस्थ हुआ उग जाते होंगे, अरे नहीं उगते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके मामा खुद चल के आ गए तो और बेटर है भाई, लाने जाओगे फिर आओगे। पापा जी क्या बोल रहे थे कि जूता इतने चिपकाओ, सॉरी चमकाओ कि चेहरा उसमें दिखे। तो यार शीशे का क्या काम है घर में? यही बोला अपने बीवी ने। आई मैन जेंटलमैन। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।